मैं अब आमंत्रित करूंगा मीनाक्षी जी को। ये एलपीजीआई से शुरू से जुड़ी हुई हैं और सबसे कविता तो अच्छी करती ही हैं, प्लस इनका जो मैनेजमेंट जो बोलते हैं प्रबंधन और जो संयोजन है बहुत ही सुंदर रहता है। मीनाक्षी जी आपका स्वागत है, अपनी कविता प्रस्तुत बहुत कीजिए। बहुत 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 धन्यवाद आपका मारू जी। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। और आज के कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए मारू जी आपको और सरस्वती जी आपको, आप दोनों के प्रति मेरा बहुत बहुत सादर आभार। मेरी कविता कुछ इस तरह से है, आप सभी ने शायद पहले सुनी भी है, लेकिन फिर से एक बार हम सभी बच्चे बन जाते हैं। स्वागत स्वागत है, स्वागत है मेरे है, जीवन। स्वागत है। और एक बात बताऊं राज की, आप ही के पास बैठी हूं मैं जकार्ता में, लेकिन मिल नहीं सकती किसी से भी आज मैं। ओ, ऐसा क्या, आप ऐसा कैसा। सभी व्यस्त हैं इसीलिए। फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी। तो ठीक। शुरू करते हैं। आओ हम सब मिलकर बोले, हिंदी हमारी शान है, माँ हिंदी से प्यार करें, हम हिंदी ही पहचान है, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम। अ आ इ ई क ख ग घ अक्षर इसके विराट है, मात्राओं से सच कर निखरती माँ हिंदी तुझे प्रणाम है, संस्कृत की तू गोद से निकली, हर भाषाओं की सम्राट है, जन जन के मन मन में बसती सरल सुसंस्कृत महान है, भावों को झटपट कह देती मेरा तुम अभिमान हो, देवनागरी लिपि में लिखूं माँ सरस्वती का वरदान हो, भारतीयों की मातृभाषा तुम भारत का स्वाभिमान हो, राष्ट्रभाषा और राजभाषा तुम नव भारत की प्राण हो, आज समझती युवा पीढ़ी भी हिंदी नहीं मेहमान तुम, अन्य भाषा का करते स्वागत पर तुम पहला स्थान हो, ढाई अक्षर भी मिलते इसमें जिसमें प्रेम प्रधान हो, हुए मौन जो हिंदी भाषी उनके स्वर को प्राण दो, देश विदेश में बज रहा डंका स्वर में बसता हिंदुस्तान हो, हिंदी का वर्चस्व फैलाने जागरूक कई संस्थान हो, अपनी मातृभाषा का दीप जलाने करते सामूहिक काव्य पाठ हो, हर भाषा का ज्ञान हमें हो पर मां हिंदी का ना अपमान हो, आधिकारिक भाषा के पीछे संघर्ष कथाएं महान हो, साहित्यकारों की जननी हिंदी जग में ज्योतिर्मान हो, एकजुट हो हम सब भारतवासी मिलकर बोल, हिंदी हमारी शान हो, जननी नहीं तुम फिर भी हो माँ मेरा पहला स्वर मेरी पहचान हो, कण कण में बसती हो मेरी मेरा विषय प्रधान हो, करती हूँ नतमस्तक वंदन माँ स्वीकारो मेरा प्रणाम हो, इस धरती से उस अंबर तक माँ हिंदी का उत्थान हो, हाथ जोड़ कर करूँ यह विनती हिंदी को सम्मान दो, लुप्त न हो जाए यह भाषा इस भाषा पर ध्यान दो, हिंदी की ना हिंदी करना हिंदी हमारी आन हो, माँ हिंदी से प्यार करे हम हिंदी ही पहचान है, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत मीनाक्षी सुंदर जी, मीनाक्षी जी, बहुत सुंदर और प्रस्तुति। जो लय में गाती हो ना सुन के और मजा आ बिल्कुल जाता है, बहुत सुंदर, बिल्कुल, बड़ा अच्छा स्वरबद्ध लय लगा, में बहुत गा रहे थे, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया। थैंक कर्णप्रिय था। यू, वेरी नाइस, थैंक यू मारू जी, मीनू जी, वैशाली जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, थैंक बहुत यू सरस्वती और जी, अब थैंक यू अभय मैं जी। सरस्वती मैम को यह आमंत्रित करना चाहूंगा। पहले मैं बता दूं आपको कि आज का जो प्रोग्राम था, जो आज का जो कार्यक्रम था, जो शुरू से जुड़े हुए हैं वो देख रहे होंगे कि विदाउट टेक्निकल ग्लिच जो बोलते हैं, 55 बच्चों को एक साथ, मतलब
इतना अरेंज वे में था, इतना व्यवस्थित था कि उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और इसके लिए बहुत बहुत आपका बहुत प्रणाम वंदन। बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ आज का, कार्यक्रम बहुत अच्छा था। और विदाउट एनी टेक्निकल ग्लिच, मेरे को हिंदी में नहीं आता है इसका बोलने का, कि विदाउट एनी टेक्निकल ग्लिच, एक के बाद एक इस व्यवस्थित तरीके से चलाया, एक के बाद नंबर दिए हुए थे, सब सब प्रतिभागियों को नंबर दिए हुए थे, और सब बच्चे टेक्निकली बहुत स्मार्ट होते, एक के बाद नंबर से आ रहे थे। और जो टेक्निकल टाइम जो वेस्ट था, हार्डली 2 मिनट का हुआ होगा मेरे हिसाब से बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको नमन इसके लिए, अपनी कविता के साथ। मारू जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक ये मेरे आप अपना जो टीम था उसका, मैं देखिए मैं हमेशा मान के चलती हूँ कि सद्भावना जब मन में होती है तो हर कार्यक्रम जो है अपनी सफलता स्वयं पा लेता है। तो और टेक्निकल ग्लिच की बात है, यस बहुत काम बहुत लगा, इसमें बहुत मेहनत लगी है, मगर आप सबके साथ जो है वो कहते हैं ना कि काम हो गया। और इतने अच्छे से आपने जो है हमारा सहयोग दिया, हमारे साथ जो है सुरेश जी थे, योगिता दबालिया है, पिक्सी है, इन सब ने हमारा जो है बहुत बहुत साथ दिया है। तो कविता बिकॉज ये वाला जो मतलब पिछले कितने दिनों से मैं लगी हुई थी, तो फ्रेश कविता तो मैं लिख नहीं पाई, तो अगर इजाजत हो तो मैं कुछ लिखा लिखा पढ़ दूं, अगर आप लोगों की इजाजत होगी तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी अपनी कविता है। स्वागत है, सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कविता आपको देखना, मानो हिंदी को देखना है सरस्वती जी। बहुत 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 धन्यवाद। चलिए, ऐसा हम बता रहे हैं जो ये मेरी अपनी कविता नहीं है, ये लिखी लिखी कविता है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना है, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है, हिंदी निर्मला प्रेमचंद की लेखनी का गान है, हिंदी में बच्चन पंत दिनकर का मधुर संगीत है, हिंदी में तुलसी सूर मीरा जायसी का तान है, जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये हिंदी अमर रहे, हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत 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 मेरी मेरी कविता नहीं थी, ये जो है वो कहते हैं रेडी टू ईट वाला स्टफ था, रेडी लगा दिए, बहुत सुंदर ढंग से आपने पढ़ी। वैशालिनी ने सही बोला है कि आपको देखते ही आप ही हिंदी हो, आपकी शुद्ध हिंदी हमने जो सुनी। मारू जी ने बीच में लिखा, सरस्वती जी मैं आपको आमंत्रित करूंगा, मैंने बोला हाय रा मारू जी, मैंने कुछ नहीं लिखा, लिखा लिखा है तो रेडी टू ईट वाला स्टफ, रेडी टू कुक वाला स्टफ, ये शायद मैंने अपने इंडोनेशियाई दोस्तों के लिए जो है मैंने इसको संजो के रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली एक बीमार पड़ गई हैं और एक जो है बीच में जो है अटकी हुई हैं, तो उन्होंने कहा वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगी, तो उनके बदले मैंने कविता पढ़ती। सो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो है अपना समय निकाला। अब मैं जो हूँ मारू जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपनी कविता रखे, और हम जानते हैं कि मारू जी केवल कविता नहीं लिखते, ये गाना भी गाते हैं, ये म्यूजिक भी बनाते हैं, बहुत 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 बड़ी चीज है मारू जी। आइए मारू जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सरस्वती जी, स्वागत है आपका, स्वागत है मारू जी। कविता तो पुरानी लिखी हुई है, और जनरली अक्सर मेरे परिचय में कहा जाता है कि जब हो प्रभात कह सुप्रभात, हिंदी को मैं बोलता हूँ जब हो प्रभात कह सुप्रभात। मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि अपन सभी लोग जब सुबह सुबह गुड मॉर्निंग है उसके बजाय सुप्रभात बोलें, एक छोटी सी पहल करें, छोटी सी शुरुआत करें हिंदी के प्रति, ये मेरी कोशिश है इस कविता में। कविता का शीर्षक भी है जब हो प्रभात कह सुप्रभात, जब हो प्रभात कह सुप्रभात, जब हो प्रभात कह सुप्रभात,
लक्ष्मी सरस्वती गोविंद के कर दर्शन करके भिन्न भाग, जो आप सुबह सुबह उठते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेत गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। लक्ष्मी सरस्वती गोविंद के कर दर्शन करके भिन्न भाग, आलस की चादर परे फेंक बिस्तर का झटकर परित्याग। नवरवि स्वागत में हो खुश ऐसे जैसे धन मिलता अकस्मात, नवरवि स्वागत में हो खुश ऐसे जैसे धन मिलता अकस्मात, जब हो प्रभात कह सुप्रभात, जब हो प्रभात कह सुप्रभात। दिन कैसे बिताना है, कैसे शुरुआत करनी है, जो आज काज करने उनकी, जो आज काज करने उनकी मन में बना फेहरिस्त, जो आज काज करने उनकी मन में बना फेहरिस्त, बना योजना बढ़ा चले गंतव्य तरफ तो किस्त किस्त, बना योजना बढ़ा चले गंतव्य तरफ तो किस्त किस्त। लक्ष्य आंख चिड़िया की है, लक्ष्य आंख चिड़िया की है, अर्जुन की भांति रहे ज्ञात, जब हो प्रभात कहे सुप्रभात, जब हो प्रभात कहे सुप्रभात। साहस दृढ़ संकल्प के किस्सों से ये दुनिया ओतप्रोत, साहस दृढ़ संकल्प के किस्सों से ये दुनिया ओतप्रोत, दया धर्म का मूल है इनकी, दया धर्म का मूल है इनकी, हर प्रात जला एक नई ज्योत। मां संशय जैसे शब्दों को, संशय जैसे शब्दों को मार खींच कर एक लात, जब हो प्रभात कह सुप्रभात, जब हो प्रभात कह सुप्रभात। मात पिता गुरु ज्येष्ठों का, मात पिता गुरु ज्येष्ठों का प्रात समय कर चरण स्पर्श, मात पिता गुरु ज्येष्ठों का प्रात समय कर चरण स्पर्श, इनके आशीर्वादों से ही तू पाए मंजिल छू सके अर्श, इनके आशीर्वादों से ही, इनके आशीर्वादों से ही तू पाए मंजिल छू सके अर्श। आशा हर्ष उमंग से कर तू, आशा हर्ष उमंग से कर तू, हर दिन की तू शुरुआत, आज के दिन की शुरुआत, शाम है तू कोई बात नहीं, आज के दिन की शुरुआत, जब हो प्रभात कह सुप्रभात, जब हो प्रभात कह सुप्रभात, जब हो प्रभात कह सुप्रभात। छोटी सी कोशिश है मेरे की, आप सुबह सुबह जब गुड मॉर्निंग बच्चों को सिखाएं, उसके बदले में गुड मॉर्निंग की बजाय सुप्रभात कहना सिखाएं। और हिंदी के सारे उत्कृष्ट शब्द आपने अपनी रचना में ले लिए सर। सही मारू जी, आपको अभिनंदन, देवकी नंदन नहीं बल्कि अभिनंदन, अभिनंदन। अरे सिंह साहब आप रह गए, आपको मतलब आप भी एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करें तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं असल में मुझे तो वही आता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा, हिंदी सारे हम वतन अच्छा, है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं जिसकी, वो सारे जहां से प्यारा जी। तो इसी के साथ मैं सभी को सुन रहा था, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, काम भी कर रहा हूँ थोड़ा सा, पर आप सभी को सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा आपका कवि गोष्ठी देख कर। और जैसा कि मैंने अपने टीचर जी से कहा है, सरस्वती जी से कहा है मैंने, कि मैं इसके बाद एक क्विज का प्रोग्राम करना है बच्चों के साथ, उनका देखना हिंदी ज्ञान कितना है ना, वो हिंदी और इंग्लिश को कितना समझते हैं, उसके लिए मैं थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ, तो दिवाली के आसपास करेंगे उसको भी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं और केवल सरस्वती जी से, मैडम सरस्वती से मैं अनुनय करूंगा कि वो कुछ शब्द कहें और कार्यक्रम का समापन करें। मैं एक मिनट, मैं सुरेश जी को इनवाइट करती हूँ सर, तब तक आप। जी हाँ जी हाँ, उनको बुलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में थे, पृष्ठभूमि में थे, लेकिन उन्होंने जो जितनी मेहनत की है, सुरेश जी के बिना टेक्निकल अधूरा है, बात कर रहा हूँ। देवकी जी, सुरेश जी के बिना ये प्रोग्राम अधूरा है। बिल्कुल बिल्कुल बैकग्राउंड ही नहीं बल्कि पूछा सर, जो पुश है पीछे से जो पूरा पूरा सहयोग है वो सुरेश जी का ही है। हाँ, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे, तो मैं यहाँ उल्टा बोल रहा हूँ, हर सक्सेसफुल महिला के पीछे पुरुष, महिला के पीछे नहीं, इस बार जो है बेचारे काफी व्यस्त रहे हैं, मारू जी भी काफी व्यस्त रहे हैं, तो आइए बैठिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्ते जी, मारू जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, और आपके सहयोग के लिए आपने जो इसको पीछे जो पृष्ठभूमि में जिस तरह से इसको आपने सबका, आई थिंक इट्स अ ग्रुप एफर्ट, एवरीबॉडी, एंड रियली गुड टू सी 55 चिल्ड्रन फ्रॉम अक्रॉस यू नो इंडिया, इंडोनेशिया, सुराबाया, सिंगापुर, जॉइनिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट,
And thanks to all the dedicated people here in across Indonesia and also in India who supported this whole event. It's a group effort. One small effort from my side to support on the backside, Ajay. Sorry, I had to leave in the middle because I had to go for a meeting, you know, the online meeting. That's why I just dropped out in the middle. Thank you, Parmar. Okay. Dhanyavad, Suresh ji. Dhanyavad ji. And especially, sir, I think you are the most important person also in driving and motivating everybody, Mr. Singh. And also, thanks. So, सारा काम मैं रूप से सरस्वती जी ने किया है. हम लोग तो बस पीछे पीछे हैं. देखो मीनू जी हैं एंड ऑल द कवि कवीज या थैंक यू वेरी मच या फॉर गिविंग मी आल्सो सम रोल एंड अपॉर्चुनिटी हियर थैंक यू सुरेश जी प्रणाम वणक्कम सर वणक्कम सर और ये हमारी ये डॉक्टर नीता बहुत दिनों के बाद मैं उनको देख रहा हूँ ये मेरी बहुत अच्छी डॉक्टर भी है डॉक्टर भाभी नमस्ते सुरेश जी मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो मैं वो विदा लेकर वो इसलिए आप देख रहे हैं कि हड़बड़ कर रहे हैं तो वो यही है कि मीटिंग है उनका तो उसमें वो लगे हुए हैं तो ही इज जस्ट गोइंग आउट फॉर हिज लास्ट प्रेजेंटेशन तो निकल रहे हैं तो मैं आपको जो अभी जो मेरे समक्ष हैं मारू जी सिंह साहब वैशाली रस्तोगी जी मिथाली जी कृति जी अभय कपूर जी नीता जी खुशबू अग्रवाल जी मीनाक्षी जी मीनू संयोग जी पिक्सी और योगिता दबालिया आप सबको एक बार फिर से यू नो दंडवत प्रणाम कर आपके सहयोग के लिए और आपने जो हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए हिंदी दिवस की शुभकामनाएं एक बार और देते हुए आप सबको तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ थैंक यू सरस्वती मैम थैंक यू दैट्स पिक्सी गोयल जो हमारी जो है टीम में जुड़ी थी सो थैंक यू वंस अगेन पिक्सी फॉर द ऑल एफर्ट थैंक यू मैम थैंक यू सो मच धन्यवाद एक बार तहे दिल से धन्यवाद